मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे कहीं ना जानी अवगुण मेरे, कौन जाने गुण तेरे कहीं ना जानी अवगुण मेरे, कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। साहिबा मेरे साहिबा,
कौन जाने गुण तेरे। मेरे सागे बा मेरे सागे बा कौन जाने गुण तेरे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में कलगीधर मानव सेवा मिशन की ओर से गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में श्री अखंड पाठ जी का भोग डालने उपरांत गुरुओं का अटूट लंगर लगाया गया। कलगीधर मानव सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर हरनेक सिंह हरी ने समस्त देश और विदेश की संगतों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी और गुरुओं के चरणों में सभी देश प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि तरक्की व स्वस्थ जीवन की अरदास की। इस पवित्र दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में नतमस्तक होने पहुंची संगतों के लिए अटूट लंगर का आयोजन भी किया। वहीं इस मौके पर गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब के हेड ग्रंथी जगजीत सिंह ने बताया कि आज के दिन गुरु श्री अर्जुन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन कर प्रकाश करवाया था, जिसकी मूल्यवान शिक्षा मानव जीवन को रोशनी देने वाली है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेखनीय गुरु की वाणी मानव जीवन के अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने वाली है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि अपने बच्चों को गुरु की वाणी के साथ जोड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और उन्होंने बताया कि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में रात 9 बजे तक दीवान सजाए जाएंगे और विभिन्न डाडी जत्थों द्वारा गुरुओं की वाणी का गुणगान कर संगतों को निहाल किया जाएगा। वहीं इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंची। इस मौके पर कलगीधर मानव सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर हरनेक सिंह हरी, चेयरपर्सन बीबी करणजीत कौर, गगनदीप सिंह, अभी शर्मा, सिमू हरी, जारा प्राइम के मैनेजिंग डायरेक्टर विशान त्यागी भी उपस्थित हुए। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालिक, तन तन मेरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो दीन दुनिया दे मालिक है, बाणी च लिखे वाहो वाहो बाणी निंकार है तिस जेव डावर न पुजदे महावाक अनुसार। आप जी दे चैनल राही सारी लुकाई देश विदेश बैठी संगतां नू तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश पुरब की कोटान कोट बधाइयां होण। मालक किरपा करे सारयां नू, सारयां दे घरां च खुशियां खेड़े बख्शे। मालक सब नू लंबी उमरां तंदुरुस्तियां बख्शे, सारे बुलंदियां नू चूण, रोजगारां च उन्नतियां वाधे तरक्कियां बख्शन। मालक कृपा करे। साडे कलगीधर मानव सेवा मिशन वल्लों यही साडी अरदास बेनती गुरु पिता दे पवित्र चरणां च। धन्नवाद है सारी नाडा साहिब दी मैनेजमेंट दा जिन्हां ने सानू ये माण बख्शिश किया, गुरु पिता दे पवित्र चरणां च सानू सेवा बख्शिश की। पठानकोट शुक्र है जारा प्राइम दा, जारा आयुर्वेदा जिन्हां ने नाल मिल के सारी संगत नाल मिल के असीं गुरु पिता दे पवित्र चरणां च अपनी हाजिरी लवांदे आए। मालक कृपा करे, सब दे घरां च खुशियां खेड़े बख्शे। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मन, प्रतख गुरु निसतारे। अज के दिन बहुत वड्डी कृपा इस संसार ते विश्व ते धरती ते होई।
तरन गगन नव खंड मैं जोत सदा रूपी रहो भर भन मथरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन प्रतख हर। प्रतख अकाल पुरख के स्वरूप धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु नानक देव जी महाराज की उचारण की हुई रब्बी बाणी तुरकी बाणी गुरु अंगद देव जी महाराज गुरु अमरदास साहब जी गुरु रामदास साहब जी ते गुरु अर्जन देव जी महाराज जो सब थावां ते धरती ते फिर के संगतां नूं उपदेश दिता जो एक सौ रब न हो के वाहिगुरु नाल रब्बी बाणी आई ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अज दे दिन क्योंकि अमृतसर साहब गुरद्वारा रामसर साहब की पावन धरती ते कृपा की कि इस रब्बी बाणी तुरकी बाणी गुरबाणी इस जग में चानण करम वसा मन आए जिन्हें हिरदिया के चानण करना कोई दुनिया की रोशनी नहीं सूरज ज चंद्रमे की ज यह साडा जो लाइट का प्रबंध किया हो बाहर के हनेरे यह रोशनी खत्म कर सकती है पर मनुख के अंदर के हनेरे बाहर की रोशनी सूरज के चंद्रमे की रोशनी खत्म नहीं कर सकती साडा अंदर जो हनेरा अग्ञानता का साढ़े अंदर दे ज्ञानता दे हनेरे नू दूर करने वास्ते ते ज्ञान बख्शन वास्ते गुरबाणी मुख उचारी है होवे रशनाई मिटा अंधेरा इस रब्बी बाणी तुरकी बाणी की संपादना की तरतीब दी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भाई गुरदास जी नू लखारी ला के बहुत सिखा दी सेवावां निभाईआं ते बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु नानक देव जी महाराज के दरों करों बरसाए हुए ब्रह्म ग्यानी उस समय उन्हां दी उम्र 98 साल की सी उस समय गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब के पहले मुख ग्रंथी स्थापना किए और गुरद्वारा रामसर साहब तो नगर कीर्तन के रूप के और सचखंड श्री हरिमंदर साहब पावन स्वरूप लैके आए क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना तो पहला सचखंड श्री हरिमंदर साहब की सिरजना गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कर दिती जिथे बाणी का प्रकाश होना है उस समय पहला प्रकाश गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी देख रेख हेठ आप और हरिमंदर साहब के अज के दिन करवाया। बाबा बुढ़ा साहब जी ने वचन कहे बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लेहो आवाज सुने सब पंथ अदब सहत ग्रंथ तब खुला खोला ले आवाज बुढ़ा तब बोला सूही महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। ये पहला हुक्मनामा साहब बाबा बुढ़ा साहब जी के मुखार बिन तो गुरु अर्जन देव जी महाराज का उचारण किया होया शब्द ये पहला हुक्मनामा साहब आया उस समय गुरु अर्जन देव जी महाराज आप उत्थे नीवें थान ते बैठे सी मौजूद सी जिन्हां दी बाणी दा हुक्मनामा बाबा बुढ़ा साहब जी ने लिया तां गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह विश्व दे गुरु खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौ वर्णा को सांझा ये सभनां नूं उपदेश बाणी राहीं दिता कि अज सारे दुनिया के लोग और बाणी तो सेध लै रहे जिन्हां जिन्हां नूं समझ लगे वो बाणी नाल जुड़ रहे ने क्योंकि हनेरा अंदर दा खत्म ही तां होणा है जदों असीं बाणी ना जुड़ांगे। शब्द गुरु सुरत तों चेला गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने दमदमा साहब की धरती से संपूर्णता बख्शी और हजूर साहब की धरती से और देहधारी गुरु की जिहड़ी परंपरा सी उहनूं समेट के गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरता गद्दी की दात बख्शिश की। तख्त वह तख्त की लायक बचन के आग्या पई अकाल की तबह चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिल वो चह खो शब्द मैं ले। ये बचन कहे अज तो बाद ताडे गुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पात शब्द गुरु दे लड़ ला दिता क्योंकि शरीर जेड़ा उदासमंत है सानू शब्द गुरु दे लड़ लाया अज लोड़ है समय की आप अपने बच्चों नूं असीं शब्द गुरु दे लड़ लाईए जो कि नशियां वर्गियां लानतां भैड़ी कुसंगत तो आपां बच सकीए मन मत तो बच सकी दंबियां पखंडियां वहमां भरमां तो बच सकीए ते असीं गुरु ग्रंथ साहब दे लड़न लग के अपना जन्म सफल करी आप अपने बच्चों बाणी दे नाल जोड़ो अपना जन्म सफल करो। गुरु साहब जी का धन्यवाद। सो कलगीधर मानव सेवा डॉक्टर हरनेक सिंह जी खड़े है क्योंकि इन्हां वल्लों
ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀ। ਸੋ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਓ ਫੁੱਲਾਂ ਚ ਪੰਜ ਸਿਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।